आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और देश भर में बात की जाए सुसाइड केसेस की तो आए दिन कोई ना कोई केसेस जो है सामने नज़र आते हैं। और अगर आज की बात की जाए तो आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, जिसको लेकर हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं डॉक्टर गुरमीत कौर जी, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। आज हम बात करें प्रिवेंशन पे, क्योंकि सुसाइड केसेस आपने मतलब कि जम्मू में तो आम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक जो तवी पुल है वो तो सुसाइड का एक वो जगह बना दी है कि नहीं, वो एक बना दिया भी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज का थीम क्या है इसका? आज का दिन 10 सितंबर वर्ल्ड वाइड जो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जा रहा है, और ये 2003 से मनाया जा रहा है, जिसमें WHO और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन, इन लोगों ने मिलके इस चीज़ को ये समझाने की कोशिश की है। एक डे मार्क किया गया है कि इस दिन हम कमिटमेंट करते हैं टू मेक पब्लिक अवेयरनेस ऑफ सुसाइड एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट इट, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाता है, कैसे इसको सुसाइड को रोका जाए और सुसाइड के क्या कारण हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिर वो हर साल की एक्टिविटीज़ होती हैं, डाटाज कलेक्ट करते हैं कहाँ कहाँ से कैसे। जैसे आज इस वक्त 2020 में जो बिकॉज ऑफ COVID-19 जो सिचुएशन बनी है, तो ये सबसे ज़्यादा पिछले जो सालों से ज़्यादा जो है लोगों का सुसाइड हुए हैं, ठीक है। और अभी हम ये कहें कि सुसाइड प्रिवेंशन कैसे करनी है वो एक डिफरेंट फैक्टर है, बट सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सुसाइड करने, यही हमारा इस प्रिवेंशन डे का थीम है कि टू मेक पीपल अवेयर कि सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड, ये प्रिवेंटेबल चीज़ है और ये क्यों होती है, हमें पता चल जाए कि ये एक्चुअली ऐसी फीलिंग क्यों आती है, इंसान क्यों मरने की कोशिश करता है, क्यों अपनी जान देने की कोशिश करता है। उसमें तीन सबसे बड़े कारण हैं। एक, इंसान अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ जाता है कि उसके लिए उसको अपने आप में कोई होप नहीं रहती है। दूसरा, उसको अपना फ्यूचर जो है बिल्कुल डार्क और ब्लीक लगता है। तीसरा, उसको वर्ल्ड अराउंड जो है वो बिल्कुल नेगेटिव लगता है, उसको लगता है मेरी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये एक मन के विचार ऐसे आना शुरू हो जाते हैं, बंदे को बिल्कुल लगता है मेरा अब ज़िंदगी जीने का कोई एम ही नहीं रहा, मकसद ही नहीं रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को इस हद तक ले जाती हैं कि वो अपनी जान लेने पे उतारू हो जाता है। अब ये क्यों होती हैं और कैसे होती हैं, बहुत सारा इस पे सर्वे आया है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 5 स्टेट्स में ही सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और वेस्ट बंगाल में सुसाइड रेट्स वो किए जाते हैं। सो ये ज़रूर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिप्रेशन, और आज पेंडेमिक के चक्कर में अगर एक सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि पूरी इंडिया में 59% लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो चीज़ जिसमें पहले मज़ा आता था, जो इंटरेस्ट लग करता था, वो अब हमें इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इट मींस कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो उनके अंदर है। सो इस, आप ये सोचिए कि पूरे पहले तो होते ही होते थे, बट इस पेंडेमिक की वजह से कितनी डार्कनेस और कितनी जैसे ब्लीकनेस, जैसे कोई आशा, पूरी निराशावादी समाज बन गया है। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले हमें ये रखना है कि ज़िंदगी चलेगी, ज़िंदगी देखिए 100 साल पहले भी फ्लू आया था, स्पैनिश फ्लू जो आया था, तब भी लोगों, बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। उसके बाद बहुत सारी इकॉनमी शटर हुई थी, बहुत सारी चीज़ें गई थी, पर संसार दोबारा बसा। तो ये अगर हम अपनी होप ही छोड़ देंगे, एक होप, जीने की होप और आस ही छोड़ देंगे, फिर हम कैसे जिएंगे। सो सबसे बड़ी बात इन्हीं 4 चीज़ों पे काम करना है कि हमें होपफुल रहना है, हमें कोई एम रखना है ज़िंदगी का जीने का, और हमें निराशावादी बिल्कुल नहीं बनना है, और चौथा कि हमें हर वक्त
दूसरों में खामियां ढूंढने से या अपने आप में खामियां ढूंढने से कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ये जो नेगेटिव थिंकिंग और ये जो ये सोच है, मन की सोच जो आप पे उस दिन इस वक्त उस इम्पल्स आती है, ये एक इम्पल्स है, अगर वो टल जाए तो ये चीज़ हो सकती है। और अपने मन में लोनलीनेस ये ना, और फिर कौन कौन से लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, आमतौर पे देखा गया है एडोलेसेंट ज़्यादा वल्नरेबल हैं, अर्ली यूथ वल्नरेबल है, एल्डरली लोग अब जो समय के साथ बिल्कुल अलोन हो जाते हैं वो वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल तो ऑल एजेस हैं लेकिन ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं सुसाइड करने में। तो इसमें जो है हमें इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरा नंबर, अगर हम कारण कैसे करते हैं तो आम आपने देखा होगा, इवन हमारे जम्मू में भी बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग के केसेस आते हैं। ये जो गेहूं में कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती हैं वो मोस्टली खाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा वैसे केसेस आते हैं। फिर आपके जैसे आपने खुद ही तवी का नाम ले लिया, वहाँ पे भी लोग कोशिश करते हैं और कई बार सक्सेसफुल होते हैं, कई बार सक्सेसफुल नहीं होते तो अपनी टांग बाजू तोड़ा देते हैं। डिप्रेशन किस हद तक इतना बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति अपनी जान लेने में उतारू आ जाता है? तो आप वो देखिए कि बिल्कुल वो उसका वो उस वक्त बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है, इंसान को अगली सोच ही नहीं होती कि नहीं कोई रे ऑफ होप, कोई एक सूरज की किरण मुझे इस चीज़ में से बाहर निकाल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान को इस हद तक लेके जा सकती हैं। दूसरा, जो स्पेशली मैं इस बार मैं आपको अपने आप मेरी शर्ट की तरफ देखें, मैंने पर्पल कलर पहना हुआ है। सो ये ग्लोबल पूरा वर्ल्ड में विश्व में इस चीज़ का है कि अगर आप पर्पल कलर पहने, अपनी फ़ोटो खींचे ऑनलाइन और वो हैशटैग करें #IPL डिपार्टमेंट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज DBIH उस पर कि फॉर द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन और सोशल उसका वो है, और उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पर्पल का मतलब आप लाइफ में हैं एंड आप सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अवेयरनेस करें। जैसे कि एक और चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये मैसेज तो आप हर जगह ये कीजिए, क्योंकि आज कोरोना के डेज़ में हम मोस्टली मिलते जुलते नहीं हैं, या हमें मिलना भी नहीं चाहिए, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन आपको नाउमीद नहीं होना है, नाउमीदी किसी भी, अगर आप जंग लड़ने से पहले ही नाउमीद हो जाएंगे तो जंग कैसे लड़ेंगे? ये चीज़ मान के चलिए, ये हमारा ज़िंदगी और मौत के साथ जंग है। आप ये मत सोचिए ये किसी दूसरे घर में हो रही है, मेरे साथ नहीं हो रही, स्पेशली मैं पेंडेमिक को लेके कह रही हूँ। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी मोटिवेशन, और ये जो हम पूरे हमारे हाथ धोना, सोशल सिक्योर, ये जो डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें ये इख्तियार में रखते हुए बिना घबराए, कोई बात नहीं, आशावादी होके आगे चलिए। और जो भी डूज एंड डोंट्स उसके बारे में बताया है उसके लिए चलिए, कोई बात नहीं। इकोनॉमी डाउन भी हो गई है, अगर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हमारी सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो अवेयरनेस के तौर पे क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे सब? मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ, आज स्पेशली पहले तो पर्पल कलर पहनिए, कोई भी पर्पल कलर रंग लगाइए और उसको ऑनलाइन जाइए, फ़ोटो खींचिए और ये पूरा सर्कुलेट कीजिए फॉर सुसाइड प्रिवेंशन डे, ताकि हम सब मिलके ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। क्योंकि आजकल और कुछ है कि नहीं है, हर एक बच्चे बूढ़े जवान के हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है। ये हर जगह पे ये मैसेज जाना चाहिए कि टुडे इज सुसाइड प्रिवेंशन डे। मैं इससे माध्यम से ये करना चाहती हूँ, सब पर्पल, कुछ भी पर्पल मफलर, पर्पल रुमाल, कुछ भी करके कि वी आर इन एंड वी गिव अवर कमिटमेंट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द सुसाइड एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है? ताकि हम ये इस एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सुसाइड के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है और इस स्टिग्मा के बारे में हम बात करें और इस स्टिग्मा को हम तोड़ें, क्योंकि
किसी ने सुसाइड कर लिया उसकी सारी फैमिली बदनाम हो जाती है, फिर वो कोई बंदा काम नहीं कर सकता, या किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया वो सर्वाइवर्स के साथ उनके बाद उनका बाद उनके जीना ही मुहाल हो जाता है, और उनकी आप सोचिए उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। सो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें उन सर्वाइवर्स के साथ खड़े होना है, उन जो उनकी फैमिली है उसको सपोर्ट करना है। और आप देखिए इस सुशांत सिंह राजपूत का पहले सुसाइड नोट्स आए, बट उसकी कितनी कैसे उन्होंने खंगाला और कहाँ पे कहाँ चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बड़े दुख के साथ ये बात कहूँगी, उसकी फैमिली को कितना हरास किया गया है, उसकी उसके सारे जो भी उसकी वो हो रही है, और इसको कभी भी सुसाइड को हीरोइक एक्ट बना के मत बताएं। क्योंकि सुशांत सिंह आपने देखा होगा उसकी सुसाइड के बाद काफ़ी सारे यंगस्टर्स ने सुसाइड किया है, क्योंकि हम जो हमारे समाज में माइंडसेट ऐसा है कि हीरो को हीरो का रोल फॉलो करते हैं। सो उन वो वैसे बाइसेप्स बनाते हैं, वैसे अपने जो वो पहनते हैं वो हम पहनते हैं, जो वो खाते हैं जो एड्स में दिखाते हैं वही सारी खाना। साफ तौर से अभी कहना चाहिए कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें जिस तरह से आज का एक मैसेज जो है हम सब में अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की कि हमें सुसाइड को अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, लोगों को भी अवेयर करना चाहिए और खुद भी अवेयर रहना चाहिए। तो आज और एक और सुशांत सिंह की सुसाइड को मौत की बात नहीं करती, सुसाइड को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, किसी भी सुसाइड को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे आपके समाज में नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सो मीडिया का एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए, और आज खास करके सब पर्पल कलर पहने अपना ऑनलाइन जाएं और सुसाइड अवेयरनेस सुसाइड प्रिवेंशन के अवेयरनेस के बारे में सारी दुनिया को बताएं। जी थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के उपलक्ष्य में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर गुरमीत, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने हम सभी व्यूअर्स को दिया, और उम्मीद है इस अवेयरनेस मैसेज से आपको कहीं ना कहीं एक सीख मिली होगी। साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, निराशा के बाद जो है आशा की किरण जरूर नजर आती, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें खुद भी मोटिवेट होना चाहिए और साथ ही साथ अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।